सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप लोग अपना इंस्टाग्राम अकाउंट परमानेंटली कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने इंस्टाग्राम ऐप को ओपन कर लेना है। इंस्टाग्राम ऐप को ओपन करने के बाद आपको अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है। प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद आपको साइड में थ्री लाइन्स दिख रही होंगी, तो आपको थ्री लाइन्स के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। थ्री लाइन्स के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फिर आपको सेटिंग्स के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सेटिंग्स के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस दिखा रहा होगा, तो आपको यहाँ पर हेल्प के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। हेल्प के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फिर आपको हेल्प सेंटर का ऑप्शन दिखा रहा होगा, तो आपको हेल्प सेंटर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। हेल्प सेंटर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर साइड में थ्री लाइन्स दिखा रहा होगा, तो आपको यहाँ पर फिर से थ्री लाइन्स के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। थ्री लाइन्स के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर मैनेज योर अकाउंट का ऑप्शन दिखा रहा होगा, तो आपको मैनेज योर अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। मैनेज योर अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पर पांचवें नंबर पर डिलीट योर अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो दोस्तों, डिलीट योर अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करने से ही आपका अकाउंट डिलीट नहीं होगा। आपको वीडियो को फुल वॉच करना है, उसके बाद ही आपको अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट करना है, क्योंकि इसमें आपको कई सारी और भी सेटिंग्स करनी होंगी। तो आपको डिलीट योर अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। डिलीट योर अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर थ्री ऑप्शन दिखाएंगे। तो जो पहला ऑप्शन है वो है टेम्परेरीली डीएक्टिवेट योर इंस्टाग्राम अकाउंट, जो सेकंड ऑप्शन है वो है डिलीट योर इंस्टाग्राम अकाउंट, और जो थर्ड ऑप्शन है वो है एक्सेस योर डाटा ऑन इंस्टाग्राम। तो आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को परमानेंटली डिलीट करने के लिए सबसे पहला वाला ऑप्शन यानी कि टेम्परेरीली डीएक्टिवेट योर इंस्टाग्राम अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर आपको नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद फिर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा डिलीट योर इंस्टाग्राम अकाउंट, तो आपको डिलीट योर इंस्टाग्राम अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। डिलीट योर इंस्टाग्राम अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फिर आपको एंड्रॉयड ऐप हेल्प का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको एंड्रॉयड ऐप हेल्प के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पर फोर्थ नंबर पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा मोबाइल ब्राउजर हेल्प, तो आपको मोबाइल ब्राउजर हेल्प के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर डिलीट योर अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको डिलीट योर अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। डिलीट योर अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पर रीजन अपना बताना है कि आप किस लिए अकाउंट डिलीट करना चाहते हैं, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर कोई भी रीजन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया क्रिएटेड अ सेकंड अकाउंट, तो आप इनमें से कोई भी यहाँ पर रीजन सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड डालना है, जो भी आपके अकाउंट का पासवर्ड है उसे आपको यहाँ पर डालना है। दोस्तों, मैंने यहाँ पर अपने अकाउंट का पासवर्ड डाल दिया। पासवर्ड डालने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन दिखा रहा है डिलीट पलक श्रीवास्तव 99, तो यहाँ पर लिखा है योर प्रोफाइल एंड अकाउंट डिटेल्स विल बी हिडन अंटिल अप्रैल 11, 2023 एंड डिलीट ऑन दैट डेट, यानी कि 11 अप्रैल 2023 को मेरा अकाउंट अपने आप ही डिलीट हो जाएगा, यानी कि 30 डेज बाद मेरा अकाउंट यहां से डिलीट हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको डिलीट करते समय ये ध्यान रखना है कि आपको 30 दिन के अंदर अपना अकाउंट फिर से लॉगिन नहीं करना है। 30 दिन के बाद इंस्टाग्राम खुद आपके इंस्टाग्राम अकाउंट को अपने ऐप से परमानेंटली डिलीट कर देगा। दोस्तों, इस तरीके से आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों, आई होप आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर टेक एंड टिप्स से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोज देखने को मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।